बोलिए यहाँ बोल दिए हैंडपंप बन गया, पानी दे रहा है ना, एकदम बन गया। हाँ तो यहाँ हैंडपंप बन गया और यहाँ से निकलेंगे फिर उसके बाद इसको चेक कर लेना आपको उठा के, पानी इसमें धर लिया। अब ये रड बड़ा हो गया, रड इसको काटना होगा और काट के इसको फिर से थ्रेड बन। नमस्कार दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक न्यू हैंडपम्प फिट कर रहे हैं और हैंडपम्प किस तरह फिट होता है और किस तरह फिट किया जाता है तो आप लोग को डिटेल में बताएंगे। तो ये हमारा बोरिंग है, बोरिंग का बारे में अभी पूरा पता नहीं है ये कितना बोरिंग है और कितना पानी है, ये आपको बताएंगे। तो पाइप हम लोग लगाने वाले हैं प्रिंस का, आज बहुत दिन के बाद ये प्रिंस का पाइप है जो आज से 8-10 साल पहले बहुत अच्छा चलता था प्रिंस का पाइप, और बहुत अच्छा इसका मार्केट पकड़ा था। तो प्रिंस का पाइप बहुत ही पहले बहुत अच्छा कंपनी था और बहुत अच्छा इसका नाम था। तो इसमें हम लोग लोहा का रड भी लगाने वाले हैं, अभी एसएस का रड लगाए हैं, इसमें एसएस का रड भी लगता है, इसमें लोहा का रड लगेगा। तो ये निजी चापाकल नहीं है, सरकारी है, तो सरकारी में ही लोहा का ही चलेगा। सिलेंडर बड़ा वाला सिलेंडर है, सिलेंडर आपको दिखा रहे, सिलेंडर कैसा है। तो पहले सिलेंडर को ही फिट करना होगा, सिलेंडर को पहले खोल लेते हैं। सिलेंडर को फिट करना है बढ़िया से, तो एसएस का ये सिलेंडर है, स्टील बॉडी बढ़िया है। कुछ इसमें सामान है, ये भी देखते हैं क्या क्या है इसमें। दो बेरिंग है, बेरिंग है 6204, 6203, 6204 जो आपको लगेगा हैंडल में। ये हो गया चेन, चेन कहाँ लगता है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। चेन चेन को भी लगाने का तरीका है, चेन कैसे लगाता है। ये हो गया चेन, तो पूरा भी इसको फिट करते हैं, फिट करके दिखाते हैं आप लोगों को।
लाठी वाला ना चलते मोटा। तो और चैनल अल्लाह लास्ट लाइक यो देख को सिखाई दे भी दादा अपने चैनल खड़ा करते हो ते पुटिक काम करा बे ते पुटिक चैनल बना इसमें भी थ्रेड बना दिए हैं, थ्रेड बन गया है और ये चेन को इसमें लगा देना। बाजू की टुल्लू दो रे यार पट्टा काट ले पट्टा ना जीवो और को रखना जीवो पैसा पाओ इधर मत कर दे। ये तो ये पैसा ले तो ढका नहीं तू ये चेन का साइज थोड़ा बड़ा है, इसमें ऐसे बाजार में आपको छोटा मिल जाएगा। इसमें कुछ देख इसको टाइट कर देंगे अभी, क्या कि यहाँ मिलेगा नहीं और चेन को इसको टाइट कर देंगे। सामने आप लोग को टाइट करेंगे तो इस ब्लेड डाल के ब्लेड डालेंगे, ब्लेड डाल कर टाइट कर देंगे। कम से कम तो अभी इसमें चेन लगा दी है और चेन लगा के हैंडपम्प मेरा चालू हो गया। हैंडपम्प में 9 पाइप डाले हैं, 9 रड। पानी इसका बहुत ही नीचे है और बहुत ही हार्ड है, क्या कि चलाने में बहुत हार्ड लगता है कि पानी का लेवल जो है मिनिमम 70 फीट में लेवल। तो हैंडपम्प में जब भी आपका हैंडल टाइट लगे, ज़्यादा अगर टाइट लगे तो समझिए पानी का लेवल नीचे है। अगर पानी का लेवल 30 या 40 में रहेगा तो हैंडल का टाइट कभी लगेगा ही नहीं। तो ये पूरा हैंडल जो भी है मतलब जैसे से चलेगा वैसे से टाइट होते जाएगा। अभी क्या है कि थोड़ा हल्का चल रहा है, धीरे धीरे क्या होगा कि पानी चल रहा है पानी का लेवल नीचे होते जाएगा और टाइट होते जाएगा। तो पूरा फिट कर दिए इसमें टोटल पाइप, 9 पीस पाइप और 9 पीस रड। सिलेंडर भी लगा, एसएस का सिलेंडर लगा है। तो चेन जो नया वाला था वो चेन नया वाला नहीं लगाए, लगाए हैं पुराना वाला। उसमें किसी तरह मतलब जुगाड़ दे के इसको टाइट कर दिए, जो टाइट हो गया ये आपका सामने वही चेन है। ये आपके सामने यही रड है, वही रड में लगा दिए हैं। इसमें क्या किए हैं, पत्ती को काट के दे दिए जो आपका टाइट हो गया फूल और खुलेगा नहीं। तो वीडियो बढ़िया लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ जितना सब है टोटल ग्रामीण का आदमी है, सब यहाँ हैंडपम्प बनवाए रहे थे और यहाँ पूरा बनवा दिए हैं। बनवा के पूरा यहाँ सब निकलेंगे तो हैंडपम्प बन गया जी आप लोग का। हाँ बन गया, बन गया। बोलिए यहाँ बोल दिए हैंडपम्प बन गया, पानी दे रहा है ना। हाँ एकदम बन गया। हाँ तो यहाँ हैंडपम्प बन गया और यहाँ से निकलेंगे फिर उसके बाद दूसरा काम होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।